वेलकम बैक टू माई चैनल शिवी स्टाइल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड आज की वीडियो में रिव्यू करने वाली हुई दोनों मास्क का, जो कि बहुत अफोर्डेबल, लेकिन एक अफोर्डेबल नहीं है, बिगनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी अर्निंग और अर्निंग सोर्सेज नहीं होते हैं। बट क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन केयर होती रहे, पैम्परिंग होती रहे हमारी स्किन के लिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा अफोर्डेबल मास्क आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं, रिव्यू दे सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो रिव्यूज मैं आपको फेस पे लगा के दिखाऊंगी, और जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो वाला मास्क मैं आप लोगों के साथ रिकमेंडेड करूंगी। एंड वन मोर थिंग, जो ये है मामा अर्थ का, मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहला मास्क मेरे पास है मामा अर्थ कोको फेस मास्क विद कॉफी एंड कोका। तो अप्रोक्स ये 2 से 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है ऑन मामा अर्थ वेबसाइट। अगर आपको खरीदना है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन गेट 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट। तो यू कैन यूज माई कोड, तो जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दिस इज अ मामा अर्थ कोको फेस मास्क की एनर्जी इन स्किन, रिड्यूस स्किन टैन को भी करता है, स्किन को टाइटनिंग करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। एंड देन मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो बेसिकली ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को अवेक करेगा। अवेक का मतलब कोई डल स्किन है, बहुत ज्यादा लूज स्किन है, तो वहां पे आपकी स्किन को टाइटनिंग देगा एंड अवेक करेगा आपकी स्किन को, और स्किन टैन को भी रिड्यूस करेगा, स्किन में टाइटनिंग लाएगा, एनर्जीज लाएगा। रेड क्रैम का है एंड इसका प्राइस है 499। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि आगे जो डेमो होगा, जो भी मैं इसे लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि हाफ फेस पे मैं मामा अर्थ कोको फेस मास्क लगाऊंगी, एंड जो दूसरा है वो है मेरे पास गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क, जिसकी क्वांटिटी भी 100 ग्राम है। एंड ये भी नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है इन प्रोडक्ट्स की, जो स्किन केयर के और इस टाइप से है, मामा अर्थ के भी स्किन जो प्रोडक्ट है वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एंड गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट हैं वो भी पैराबेन, सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री एंड मिनरल्स ऑयल्स फ्री होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग आपकी स्किन के लिए। ऐसे कोई भी हार्श केमिकल्स आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे, कोई भी हार्म केमिकल्स ऐसा नहीं है इनमें। तो ये मेरे पास है डीप क्लींजिंग फेस मास्क, जो कि ब्लैक कलर में है, बिकॉज इट इज अ चारकोल मास्क, एंड दिस इज अ चॉकलेट और कोका मास्क, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी जो खुशबू है वो खुशबू बिल्कुल कॉफी और कोका की तरह ही है। लाइक मुझे कॉफी इतनी पसंद नहीं है, बट इसकी खुशबू चॉकलेट की समथिंग लगती है। तो या सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं, और उसके बाद मुझे जो भी स्किन पे फील होगा देन आई विल शेयर विद यू। एंड एक चीज और मैं बता देती हूँ गाइज, अभी मेरे चैनल पे सीरीज चल रही है, अगर आप चाहते हो मैं भी आप लोगों का नाम अपने चैनल पे फ्लैश करूं, तो आपको मेरे चैनल को करना होगा लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो में छोटा सा कमेंट करना होगा मेरी रिगार्डिंग माय वीडियोस, कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं लग रही है तो उसके बारे में बताइए, और कैसे मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो प्लीज उस चीज के बारे में मेरे को लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। एंड या जल्दी से आप वीडियो को देख लेते हैं। पे मैंने चारकोल मास्क लगाया है, हाफ साइड चॉकलेट मास्क लगाया हुआ है जो मामा अर्थ का है, इधर गुड वाइब्स का है। तो दोनों में कंपेयर मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिन, लाइक थोड़ी सी लिक्विडी है, और जो इधर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है। लाइक थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने पे भी अच्छी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई हो रहा है, और इधर जो लेयर अप्लाई हुआ है वो देख सकते हो क्लियरली स्किन दिख रही है, लेकिन इतनी स्किन यहाँ नहीं दिख रही है। मे बी ये थोड़ा सा कलर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लिक्विडी है और इसकी थिक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ की जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है, यहाँ का इवन क्रीमी टेक्सचर नहीं है, इतना क्रीमी टेक्सचर नहीं है।
एंड ये खुद ही स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जा रहा है एंड लाइक यहाँ पे भी, और मैं इसलिए यहाँ पे भी दिख सकती हूँ, तो ऐसा ही मेरे को फील हो रहा है। तो मैं आपको आफ्टर 20 मिनट्स के बाद गाइस, तो आफ्टर 20 मिनट्स आ चुकी हूँ एंड यहाँ का तो ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, 20 मिनट के बाद भी ये नहीं सूख पाया है क्योंकि थोड़ा सा थिक है, थिक कंसिस्टेंसी है। एंड यहाँ का और यहाँ का मैं दोनों का आपको एग्जैक्टली कपड़े से ही रिमूव करके दिखाऊंगी एंड उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। बेसिकली इसका जो प्राइस है वो 325 है एंड का इसका है जो प्राइस था 499 एंड ये जो मेरे को प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस करता है डीप क्लीजनिंग फेस मास्क। तो मेरे को इसका रिजल्ट यहीं पे मैं बता देती हूँ, बाद में वॉश मैं बाद में करूंगी यहाँ, क्योंकि फिर बाद में आपको रिजल्ट ऐसे जो डिफरेंस होगा वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो रिजल्ट ये है कि इसकी जो डीप क्लीजनिंग के लिए अगर ये क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे लाइक थोड़ी सी ड्राइनेस एंड क्लीजनिंग भी हो रही है। ये वाला जो क्लेम करता है आपको टाइटनिंग स्किन एंड रिड्यूस स्किन टैन एंड एनर्जी स्किन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही वर्क अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर डीप क्लीजनिंग के लिए बात करूँ तो डीप क्लीजनिंग के अकॉर्डिंग ये अच्छा वर्क कर रहा है। इवन मुझे इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा मुझे ये वाला मास्क लगा है जो क्लियर एंड ब्राइटनिंग भी कर रहा है जहां तक है। और रिकमेंडेशन के ऊपर मैं बात करूंगी तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस, क्योंकि ये आपके अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसके क्लेम के अकॉर्डिंग अपनी रिड्यूस स्किन टैन करना है, टाइटनिंग स्किन करनी है, बेसिकली ये एक, हाँ एक चीज और कि ये वाला अगर मैं मास्क लगाती हूँ तो आपको पसीने स्वेटिंग कम होती है, इसमें स्वेटिंग थोड़ी सी हो सकती है लेकिन इसमें स्वेटिंग नहीं होती है बिकॉज ये मैंने और पहले भी लगाया हुआ है। तो एक अच्छा पॉइंट इसका ये भी है कि इसमें स्वेटिंग कम होती है, बाकी अच्छे पॉइंट हैं लेकिन दिस इज द मेन थिंग कि स्वेटिंग कम होती है। बट ओनली दिस इज ओनली वैलिड फॉर वन डे, क्योंकि पूरा अगर आप रहोगे ऐसे कि बिल्कुल स्वेटिंग ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं आपको बिल्कुल क्लियर अपना फेस वॉश करके एंड आफ्टर दैट आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो क्लियरली अभी मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ एंड अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ की जो स्किन है, यहाँ पे मैंने इधर की साइड चारकोल मास्क और इधर की साइड कोको मास्क लगाया हुआ था, तो इधर की जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई है और थोड़ी सी इन कंपेरिजन दिस साइड, तो इधर की थोड़ी सी सॉफ्ट साइड मेरे को फील हो रही है लेकिन इधर की थोड़ी सी यू नो ड्राई है और थोड़ी सी टाइटनिंग मेरे को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर अफोर्डेबल और अच्छे से काम करने में और अफोर्डेबल प्राइस में अगर मैं बोलूँ तो आप यू कैन गो फॉर दिस गुड वाइब्स चारकोल मास्क, क्योंकि ये बहुत अच्छे से और डीप क्लीजिंग काम करेगा आपका। तो अगर आपके लिए प्रॉब्लम है आपको लूज स्किन की और सन टैन की, तो आप जा सकते हो ये वाले मास्क की तरफ, लाइक कोको मास्क की तरफ, मामा कोको मास्क की तरफ। तो यस, यही था मेरा आज का रिव्यू एंड कंपेयरिंग वाला वीडियो। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।